नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पर। आज मैं आपको ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण विषय यानी मानचित्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मानचित्र यानी मैप। इस वीडियो में मैं आपको मानचित्र के अर्थ, उसके प्रकार, उसके कुछ महत्वपूर्ण आधारों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मानचित्र के अर्थ के बारे में। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र है। यह हमारे देश, राज्यों, जिलों एवं ग्रामों के अध्ययन में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो यहाँ हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि हमें जब भी हमें किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना होता है तो हम उस क्षेत्र विशेष का अध्ययन एक मैप के माध्यम से करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मानचित्रों के प्रकार के बारे में। तो मानचित्र बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, यानी यह पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है, जिसमें शामिल हैं पर्वत, पहाड़, नदी, महासागर, मैदान इत्यादि। इसके बाद आता है राजनीतिक मानचित्र। तो दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र शहरों, जिलों, गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए काम में आता है। इसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में विशेष स्थान को एक विशेष सूचक से दर्शाने का प्रयास किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप गूगल मैप के माध्यम से ले सकते हैं। इस मानचित्र में सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि मानचित्र के वे तीन कौन से महत्वपूर्ण आधार हैं और घटक हैं जिनके बिना मानचित्र अधूरा है। तो इसका पहला महत्वपूर्ण आधार है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस। किसी भी मानचित्र पर किसी भी स्थान की दूरी को दर्शाने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाना मुख्य रूप से एक मानचित्र और उस स्थान की मानचित्र और उस स्थान की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसे हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर पैमाने का अर्थ होगा 5 किलोमीटर। यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी बड़ी जगह का मानचित्र पर उल्लेख करते हैं तो हम बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी छोटी जगह का मानचित्र प्रयोग करते हैं तो हम छोटे पैमाने वाले मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। अब आता है नंबर दिशा का, यानी डिस्टेंस। प्रत्येक मानचित्र पर आपने देखा होगा कि ऊपर की ओर एक एरो लगा होता है, यानी वो एरो उत्तर की दिशा को सूचित कर रहा होता है। उत्तर की दिशा के माध्यम से हम अन्य दिशाओं का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आइए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ऊपर की तरफ एरो यानी नॉर्थ, ये वाला भाग यानी यह उत्तर दिशा को सूचित कर रहा है। नीचे की ओर यानी साउथ यानी दक्षिण दिशा, ईस्ट और वेस्ट इनके बराबर की दिशाएं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब नंबर आता है प्रतीक का, यानी सिंबल। मानचित्र पर हम वास्तविक स्थल की सभी आकृतियों को नहीं दिखा सकते। उदाहरण के लिए, एक वास्तविक स्थान पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित चित्र होते हैं। उदाहरण के लिए, रेल की पटरियां, घरों, कुओं, वृक्षों, पुलों इत्यादि।
तो हम इन सभी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए इनके कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपने गूगल मैप पर देखा होगा कि हम किसी मंदिर मस्जिद को दर्शाने के लिए वहाँ पर उनके छोटे छोटे आकारों को मानचित्र पर दर्शा देते हैं, जैसे चर्च या किसी पक्की सड़क को दर्शाने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ हम पेड़ पौधों और कुछ प्राकृतिक दृश्यों को भी इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको मानचित्र के बारे में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।